How are you, students? My name is Viti Joshi and I am from Akshar School. Today's my subject is Hindi. Hindi में हम आज before letter, after letter और between letter करेंगे. उसके लिए सबसे पहले तो आपको व्यंजन और स्वर अच्छे से आने चाहिए. स्वर यानी अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, रु, ठीक है. और व्यंजन यानी कि क, ख, घ, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, न. अगर आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से आते हैं तो आपको बिफोर लेटर, आफ्टर लेटर और बिटवीन लेटर भी आ जाएगा, ठीक है. चलो कैसे आपको सिखाती हूँ मैं. तो हिंदी में हम सबसे पहले बिफोर लेटर सीखेंगे. बिफोर लेटर यानी ये जो लेटर लिखा है ग, उसके पहले कौन सा लेटर आएगा ये हमको लिखना है. ये जो ब्लैंक है उसमें कौन सा लेटर पहले आता है वो फिल करना है. तो यहाँ पे लिखा है ग, तो आपको अगर व्यंजन आता है तो आपको वो याद करना है कि आप ग के पहले क्या बोलते हैं. तो ग से पहले क्या आएगा, ख, ख से खरगोश, तो यहाँ पे लिखेंगे ख. उसी तरह से यहाँ पे है अण, अण से प्रणाम. अभी आपको वो भी याद करना है कि अण से पहले कौन सा व्यंजन आता है, तो ड. तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखेंगे, ढ से ढोलक. उसके बाद है ज, ज के पहले कौन सा शब्द आता है, तो वो आपको रिमाइंड करना है कि ज के पहले आप क्या बोलते हैं, ज, ज से जहाज, ठीक है. उसी तरह से है फ, फ से फल, तो फ से फल के पहले क्या आएगा, प से पतंग. इस तरह से आपको बिफोर लेटर करने हैं, ठीक है. उसी तरह हम क्या करेंगे, आफ्टर लेटर. आफ्टर लेटर यानी कि ये जो लेटर लिखा है उसके बाद कौन सा लेटर आता है वो हमें यहाँ पे फिल करना है. जैसे कि मैंने ये कर दिया है, ख के बाद क्या आएगा, ग, ख के बाद क्या आएगा, ग, ग से गमला. तो अभी आगे है च, तो च के बाद क्या आएगा, च से चम्मच और छ से छाता. तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, छ, छ से छाता. उसी तरह से यहाँ पे है ट, तो ट के बाद कौन सा लेटर आएगा, तो ट के बाद आएगा ठ, ठ से ठप्पा या ठ से ठेला, ठीक है. अभी आगे वाला शब्द है ड, तो ड के बाद क्या आएगा, तो आप रिमाइंड करो कि ड के बाद हम क्या बोलते हैं, ड, ढ. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ढ, ढ से ढोलक. देखा ना कितना सिंपल है. तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो व्यंजन और स्वर दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से याद कर लेना है. तो आपको बिफोर लेटर, आफ्टर लेटर और बिटवीन लेटर भी आ जाएंगे. आगे सीखेंगे हम बिटवीन लेटर. बिटवीन लेटर बहुत ही इजी है. अगर आपको आफ्टर लेटर आता है तो बिटवीन लेटर भी आपको आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे ख के बाद क्या आता है वो यहाँ पे लिखा है, उसी तरह से ढ के बाद क्या आएगा वैसे ही लिखना है हमें. तो ढ के बाद क्या आएगा, ढ से ढोलक, अण से प्रणाम. ढ के बाद क्या आएगा, अण, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अण से प्रणाम. उसी तरह से क, तो क से कलम,
तो उसके बाद क्या लिखेंगे? ख से खरगोश या ख से खजूर। यहाँ पे है र, र के बाद क्या आएगा? तो र से रस्सी और ल से लट्टू। तो र के बाद क्या आएगा? ल से लट्टू। यहाँ पे है ध, ध के बाद क्या आएगा? ध से धनुष। उसके बाद न से नल। तो इसे बिटवीन लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दो शब्द है उसके बीच का शब्द हमें लिखना है, इसीलिए इसे बिटवीन लेटर कहते हैं। तो कितना सिंपल है, ढ से ढोलक, अण से प्रणाम, त से तलवार। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इसे घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और सबसे पहले तो आप व्यंजन और स्वर को पक्का कर लेना। तो आपको ये आफ्टर लेटर, बिफोर लेटर और बिटवीन लेटर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।